हाल है जी, की कर रहे हो? मेरे वालों तुम सारे प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, सलाम, किम छो, की हाल है, हाउ यू? मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम सारे ही अपनी अपनी फैमिली के खुश हो गए तो इंजॉय कर रहे हो गए। रमज़ान जिमें चल रही है, रोज़े चल रहे हैं जी, अजकल एक मंथ तक चलेंगे। मैं लगता अच्छ अठवा रोज़ा सी और मैं जी अज रेसिपी बना रही हूँ जी, स्पैशल रमज़ान वास्ते बना रही हूँ। तुसी बहुत बनाते होंगे दही भल्ले बनाते हो जी, तुसी चाट पापड़ी वगैरह बनाते हो, लेकिन अज मैं बना रही हूँ जी एक स्पैशल तरीके नाल रायता पकौड़ियाँ वाला। और मैं पूरी उम्मीद है कि तुहानू सारयां नू बहुत पसंद आएगा और तुहानू खाण च भी बहुत वधिया लगेगा। चलो जी शुरू करते हैं फिर बनाना, आ जाओ मेरे नाल फिर करिए शुरू। तो बनाने वास्ते मैं जो लिया वो हैगा जी मेरे को एवलियाँ पकौड़ियाँ ने, तुसी घर भी बना सकते हो बेसन दियाँ, अगर तुम घर नहीं बनाया तो हलवाई की शॉप तो भी लै सकते हो जी। एक कटोरी मैं ली है इन्हों की पकौड़ियाँ की, तो नाल एक डब्बी ली है मैं दही की। तुम अगर चाहो तो घर का फ्रैश दही भी लै सकते हो। तो इधर मैं गैस के उत्ते रखे जी पानी गर्म, इन बॉयल करना है। पानी अपना ऑलमोस्ट काफ़ी गर्म हो चुका, तो ये मैं हम पकौड़ियाँ पा लवी, तो असं इन्हों सॉफ्ट होने तक जोड़ा पकाना है, कुक करना है, मिक्स कर देवे तो बॉयल आन देवे। ढक्कन मैं लगा दिनी हूँ। देखो जी अपन जीडिया पकौड़ियाँ थोड़िया थोड़िया उबलन लग गई, इन्होंने असं सॉफ्ट होने तक पकाना, तद तक जब तक ये सॉफ्ट होंगे उबलदियाँ। तो चलो असं अपना दही कढ़ लें बाउल के, बाउल लै लिया मैं, तो दही मैं बिच कढ़ लवी सारा। तुम चाहो तो घर का फ्रैश दही भी लै सकते हो, लेकिन इस वेले मेरे को नहीं सी, कढ़ लवी सारा बाउल के। वेरका है जी, वेरका का बहुत अच्छा होंगे। तो लो जी सारा निकल गया दही, ये कढ़ लिया मैं, तो इनू हल्का जहा फेंट लाँगी, बीट कर लाँगी, थोड़ा जहा मैं बिच दूध ऐड कराँगी। हाँ जी थोड़ा जहा दूध ऐड कराँगी, दूध ऐड करने का मतलब यह है कि अगर थोड़ी जी खटास होएगी ना, वो खटास जी खत्म हो जाएगी, खट्टापन खत्म हो जाएगा, तो ता दही एकदम मिठा मिठा हो जाएगा। लो जी अच्छी तरह बीट कर लेना। उधर अपन पकौड़ियाँ भी उबलन लग गई हैं, घट तो घट इन्हों 3 मिनट लगन गए सॉफ्ट होने। देखो जी हाँ जी थोड़ा जहा बस कसर रह गई है, 1.5 मिनट मैं होर इन्हों बॉयल करा कवर कर दिनी हाँ। चलो जी 1.5 मिनट के करीब हो गया, देखते हैं चेक करते हैं पकौड़ियाँ की कंडीशन है। हाँ जी देख लो जी ये हो गई सॉफ्ट, तो गैस में मैं कर देवगी बंद, तो यह जड़ियाँ पकौड़ियाँ इन्हों छान लवेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स पकौड़ियाँ मैं छान लिया है, तो हूँ इन असी ठंडे हो देवे जरा गर्म एकदम, नहीं दही के पा देनी है क्योंकि तो दही जोड़ा वो फिर गर्म हो जाएगा। तद तक मैं दही तैयार कर लेनी जी। हाँ जी दही के मैं पा रही हूँ हरी मिर्च और थोड़ा जहाँ लसन पाया मैं, तो हल्का जहा अदरक पाया। लसन तो अदरक जो ऑप्शनल आड़ी मर्जी है, तुम पाना पाओ, अगर नहीं तुम लाइक करते तो ना पाओ, लेकिन ये है कि टेस्ट बहुत वधिया हो जाएगा जो लसन मूँह आता बड़ा वधिया लगता है। और अदरक भी हरी मिर्च भी पा ली मैं, तो हूँ मैं जी पा रही हूँ थोड़ा जहा काला नमक, नमक तुम हिसाब न पाया क्योंकि अपनी जीडिया पकौड़ियाँ ने वह भी नमकीन ने, तो पा के हूँ मैं इन मिक्स कर दाँगी। हूँ मैं ये पावगी जी थोड़ा जहा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर रोस्ट किया हुआ हल्का पा के मिक्स कर देंगे। तो हूँ मैं पा रही हूँ जी पुदीने का पाउडर, यह भी ऑप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है बिच पाया हुआ, पा के मिक्स कर देंगे। हाँ जी तो हूँ मैं पावगी जी बारीक कट के प्याज, बहुत जी प्याज हो गया बारीक बारीक कट के पा लियो जिस तरह तुसी खाना पसंद करते हो। लो जी प्याज भी हो गया, मिक्स कर देंगे। तो हूँ मैं देखती हूँ अगर पकौड़ियाँ ठंडिया हो गई तो बिच पा देंगे फ्रेंड्स, हूँ मैं बिच पावगी थोड़ी जी बर्फ क्योंकि ठंडा ठंडा बहुत वधिया लगता है, बहुत मज़ेदार है। तुसी भी जरूर इफ्तारी दे बनायो खाओ, तो प्लीज़ मैं कमेंट करके जरूर दसना कि किवें दा बनया। तो मैं पूरी उम्मीद है कि तुम सारे बहुत पसंद आने वाला है,
बहुत लाइक करोगे तुसी ते प्लीज जो तुसी मेरी वीडियो नू देखदे हुंदे ना प्लीज वीडियो नू वध तों वध शेयर करिया करो लाइक करिया करो और कमेंट करके जरूर दस्या करो ते प्लीज मेरे चैनल नू भी जरूर फॉलो कर लियो। कुछ लोग मैनू अजे तक व्यू ही दे रहे हैं प्लीज मैनू व्यू भी चाहिए ते मैनू सबसक्राइबर भी चाहिए ते वॉच टाइम भी चाहिए आ सो प्लीज गाइस मैनू जरूर वॉच टाइम भी दो और मैनू सबसक्राइब भी करो चैनल नू और वीडियो नू वध तों वध लाइक शेयर करो। तो चलो जी अपनी पकौड़ियाँ ऑलमोस्ट हो गई जे ठंडिया पकौड़ियाँ ठंडिया हो गई ने तो हूँ मैं बिच ऐड कर देवगी दही दे दही च ऐड करके मिक्स कर देवे। वाह बड़ी वधिया खुशबू आ रही है लेकिन अजे एक फाइनल कम का रहा जी वह है धनिया। धनिया मैं बहुत पसंद है खूब सारा धनिया मैं अच्छा लगता दही दे विच पाया लो जी ए हो गया धनिया अपना। हाँ जी फ्रेंड्स लो जी अपना पकौड़ियाँ वाला दही बन के हो गया तैयार ते तुसी भी जरूर इफ्तारी ते बनायो बना के खा के ता मैनू दस्यो जरूर कमेंट करके। ते चलो जी हुण असी भी खा लिए रोटी ते रोटी दा हुण टाइम हो गया डिनर दा मम्मी भी वेट कर रहे हैं मिलते हैं अपनी अगली वीडियो च एक नवीं रैसपी लैके तद तक मेरे वालों तुहानू सारयां नू सत श्री अकाल अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस टाइम।